हमारे पूरे शरीर का भार उठाते हैं, तो ऐसे में हमें जरूरत होती है कि हम अपने पैरों का खास ध्यान रखें, जिससे कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और हम जीवन भर उनके सहारे चलते रहें। आपको बता दें, कई बार हम देखते हैं कि हमारे पैरों में गांठ सी पड़ जाती है, जिसके बाद हमें चलने वगैरह में थोड़ी कठिनाई होती है। वैसे तो पैरों में गांठ कई कारणों से हो सकती है, ज्यादा चलने से, अधिक समय खड़े रहने की वजह से, या फिर दौड़ने की वजह से। कई बार ये गांठें पैर में पड़ जाती हैं। इसके अलावा भी पैरों में गांठ पड़ने के कई कारण होते हैं, जैसे कि अगर आपको पैरों में अधिक पसीना आता हो, जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण पैरों में बदबू भी आने लगती है और पैरों में गांठ भी पड़ जाती है। आपको बता दें, पैरों में गांठ पड़ जाने के कारण पैरों में सूजन और दर्द की समस्या भी हो जाती है। वहीं हमें चलने में भी परेशानी होने लगती है। इस परेशानी से निवारण पाने के लिए लोग उपचार भी करवाते हैं, पर हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने पैरों की गांठ की समस्या की संभावना को कम कर सकते हैं। पैरों में गांठ पड़ने पर आप पैरों की एक्सरसाइज करें और कोशिश करें कि आप रोजाना अपने पैरों के अंगूठों की भी एक्सरसाइज करें। ऐसा करने से आपके पैरों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। आपको बता दें, तो अगर आप गलत साइज के जूते भी पहनते हैं, तब भी आपके पैरों में गांठ हो सकती है। ऐसे में आप सही साइज के फिट जूते पहने, आपके पैरों को आराम मिलेगा। और कोशिश करें कि आप ऐसे जूते पहने जो ज्यादा टाइट ना हो। हमेशा ऐसे जूते पहने जिससे आपके पैरों पर दबाव ना पड़े। इसके अलावा खाली पैर चलना पैरों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे पैरों की गांठ पड़ने की समस्या कम होती है। इसलिए कोशिश करें कि पूरे दिन में कम से कम 10 मिनट भी नंगे पैर जरूर चलें। और अगर आप घास पर चलते हैं तो ये तो आपके लिए और भी ज्यादा लाभकारी होता है। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से आरती की रिपोर्ट।